today we are going to discuss about the prescribing motion, article number 8.1. Article number 8.1, it is about describing motion. So beta ji, let's suppose here is a village and here is the railway station. Here is the railway station, this is railway station, and here is a village. Okay, so let one person, he starts his trip from railway station to the village. Okay, so therefore this railway station or the village can be taken as the reference point of his motion. Reference point of his motion. So therefore, what is our reference point? ये जो विलेज है बेटे इस बंदे ने जो रेलवे स्टेशन के रेलवे से उतरा है रेलवे से, इसने अपने घर जाना विलेज को, और जो विलेज है वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुवर्ड्स द नॉर्थ. सो देयरफॉर द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स दिस विलेज व्हिच इज 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. सो रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट, इज द रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन ऑफ मोशन. ओरिजिन ऑफ मोशन, ओरिजिन का मतलब क्या बोलते हैं, दैट हियर इज योर स्कूल एंड हियर इज योर हाउस. यू मूव फ्रॉम योर हाउस टू योर स्कूल बाय दिस पाथ नंबर 1 एंड फ्रॉम स्कूल टू हाउस बाय पाथ नंबर 2. दिस इज पाथ नंबर 2. तो जब आप घर से चले स्कूल के लिए तो आपका जो ओरिजिन है वो क्या है, आपका घर है. और जब स्कूल में फुल बेल हो गई, छुट्टी हो गई, तो फिर आप घर गिर के चले, उस टाइम आपकी मोशन का जो ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, स्कूल है. ओके, सो देयरफॉर व्हाट इज आवर रेफरेंस पॉइंट, राइट डाउन क्वेश्चन, व्हाट इज आवर रेफरेंस पॉइंट. यस, अ क्वेश्चन इज रिटर्न, व्हाट इज आवर रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन. Write down what is a reference point or origin. Yes, write down answer. A point with respect to which a body changes. A point with respect to which a body changes its position. Its position is called reference point. Is called reference point or origin. Is called reference point or origin. Yes, okay. Next, article number 8.2. Article number 8.2 of your on this NCERT book at page number 99, and its name is motion along a straight line. 8.1.1, motion along a straight line. Motion along a straight line. Beta ji, what is straight line? See here, here is point A, this is point A, A is point B. Okay, so therefore देखो एक लाइन A and B से बनाती है, एक लाइन A and B से बनाती है, एक लाइन A and A को B से बनाती है, एक A and A को B से बनाती है. Okay, let me इसका नाम लेता हूँ. Number one, this is that. Number two, this is number three, and this is number four. Okay, तो ये जो number four जो लाइन है, ये number one, two और three से छोटी है ना, इन तीनों से छोटी है, और ए और बी को मिलाने वाली इससे छोटी कोई दूसरी लाइन नहीं हो सकती है ना. ये जो नंबर फोर लाइन है ए और बी में, ये तीनों से सबसे छोटी है और इससे छोटी लाइन नहीं हो सकती. तो देयरफॉर दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन. ओके, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, smallest distance between two points or two places is called straight line. Is called what? Straight line.
Yes, so now we are going to अब यहां पे आएगा ठीक है डिस्टेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा जी देखो हमारा डिस्टेंस क्या होता है। मिस्टर राम राम जो है मिस्टर राम वो चला बेटे पॉइंट ए से चला और बी पर गया इस रास्ते से बाईपास नंबर वन ओके एंड ही मूव 40 मीटर 40 मीटर चलाओ इस रास्ते से और अगले दिन वो ए से बी तक गया बाईपास नंबर टू एंड ही मूव 60 मीटर कितना गया वो सवा 60 मीटर। तीसरे दिन भी वो ए से बी में गया एक अलग रास्ते से गया और उसने चला अपना कितना चला बेटा ये 80 मीटर चौथे दिन यार देखो वो चला मात्र कितना 20 मीटर ओके। तो देखो बेटा उसने जो डिस्टेंस कवर किया फर्स्ट डे एक्चुअल पार जो एक्चुअली चला वो कितना चला 40 मीटर लेकिन पहुंचा ना अभी ए और बी ए से 40 होगा वहां पहुंचा बी पे लेकिन ए और बी के बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वो 20 मीटर ओके। अगले दिन वो चला कितना एक्चुअली में चला कितना 60 मीटर लेकिन तो उस दिन भी ए और बी के बीच का डिस्टेंस होता कितना 20 मीटर। अगले दिन में जो ए से बी तक गया ओके और कितना चला 80 मीटर लेकिन तो उस दिन भी जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता कितना बोलो सवा 20 मीटर ओके। तो दो पॉइंट्स के बीच में या दो प्लेसेस के बीच में जो कम से कम डिस्टेंस होता है द मिनिमम डिस्टेंस उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस भी है और कम से कम डिस्टेंस है इसलिए उसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं ओके। और जो पाथ नंबर 40 मीटर 60 मीटर 80 मीटर दीज आर डिफरेंट पाथ्स ओके व्हिच आर हैविंग डिफरेंट लेंथ्स दैट इज 40 मीटर 60 मीटर एंड 80 मीटर। तो नंबर 1 डे कितना चला एक्चुअली में चला कितना 40 मीटर तो कितना डिस्टेंस का किया 40 मीटर 40 मीटर चलने के बाद जो इनिशियल प्लेयर क्या था पॉइंट था और फाइनल पॉइंट था उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। बात समझ रहे हो एक्चुअली में चला कदम कितने चलाए उसने अपने टाइम 40 मीटर चलाए लेकिन जब पहुंचा बी पे तो उसने देखा कि ए से बी का मिनिमम डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। तो 40 मीटर को हम बोलेंगे क्या डिस्टेंस और जो 20 मीटर है उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी है लेकिन इससे छोटा डिस्टेंस नहीं हो सकता। तो दो पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट। अब देखना बेटा यहाँ पे एक वर्ड आएगा मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है जैसे मैं कह रहा हूँ 40 मीटर मैं कह रहा हूँ 60 मीटर आई एम सेइंग 20 मीटर आई एम सेइंग 80 मीटर। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 40 60 20 एंड 80 इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है इसको मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब बात आती है फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो दुनिया में हर चीज जो आपको दिखाई दे रही है बेंच है बिल्डिंग है मैन हूँ आप है लैपटॉप है वाटर बोटल है बाथरूम है फैन है ये है वो है ओके। जिस किसी भी चीज को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकें उस चीज को बोल देते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे हमने 40 मीटर को मेजर किया 60 मीटर को मेजर किया 20 को मेजर किया और 80 मीटर को मेजर किया तो इसका मतलब इन क्वांटिटी को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स इनको भी हम बोल देते हैं क्या बोलते हैं इसको फिजिकल क्वांटिटी। तो डिस्टेंस कितना है 40 मीटर तो 40 में जो 40 मीटर में 40 है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड। क्या होते हैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड। और जो मीटर है मीटर को बोलते हैं बेटे यूनिट। क्या होते हैं इसको यूनिट 40 मीटर ओके 40 मीटर ये आया आपके पास मैग्नीट्यूड। अब देखना लिसन बढ़ गया से एक बात आएगी बेटे यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी
एंड वेक्टर 20। अभी आपने नोटबुक पे ना लिखो इसको बेटा, रफ में लिखो, ठीक है, मैं बाद में इसको प्रिपेयर करूंगा प्रॉपर्ली। एंड वेक्टर 20, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटे? जैसे मैं कह रहा हूं 40 मीटर। ओके, देखना लिसन बड़े ध्यान से। अगर तो ए ने बी पे पहुंचना हो तो वह किसी भी रास्ते जा सकता है। जैसे मैंने 3-4 रास्ते बताए, 1-2-3-4, एक रास्ता है, 5-1-2-3-4। ओके, तो हर एक रास्ते में क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 40 मीटर है, 40 है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 60 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कितना है 80 है, यहाँ पे मान लो कितना है 100 है, यहाँ पे मान लो कितना है 200 है। ओके ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट रास्ते से मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्या होते हैं इसको? डिस्टेंस मतलब जब वो बंदा देखो ए से बी पे जा रहा है नंबर 3 रास्ते से, तो हर जगह इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। पहले देखो निकला तो ये देखो चला, फिर यहाँ से मिलते थोड़ा हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन जब ये बंदा जो है मिस्टर राम जो है ए से बी तक जाएगा, तो आगे ये 20 मीटर राम जो है वो ए से बी तक अगर 20 मीटर चलेगा, तो अगर राम 20 मीटर चलेगा ए से, तो वो बी पे पहुंच जाएगा। ओके, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, मेरे को किसी ने बताया पॉइंट ए से 20 मीटर चलो और आप पॉइंट बी पे पहुंच जाओगे। मैंने क्या किया, पॉइंट ए से मैं ये नहीं चल पा रहा, जब 20 मीटर मैंने कवर कर लिए तो मैंने देखा बी तो आया ही नहीं। अब वो बंदा गलत था कि मैं गलत हूँ? अब देखना, फिर मैं पीछे आया दोबारा और मैं यहाँ से 20 मीटर हो गया, फिर भी पॉइंट पी बी नहीं आया, फिर मैं इस डायरेक्शन में गया पॉइंट बी नहीं आया। तो उस बंदे को कहना चाहिए था भी अगर आप पॉइंट ए से ईस्ट वाली साइड, इफ यू मूव 20 मीटर टुवर्ड द ईस्ट, देन यू विल फाइंड द पॉइंट बी। ये उस बंदे ने गलती कर दी मेरे को बताने में, ओके, या मैं उससे पूछने में गलती कर दी। अगर उसने मेरे को बताया होता कि अगर आप 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट चलो तो आप कहां पहुंच जाएंगे, बी पे, तो इसका मतलब देखो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है 20 मीटर, एक तो 20 बोला उसने, 20 मीटर, एक तो 20 बोला मींस मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, तो मिनिमम डिस्टेंस जो है, इसको बताने के लिए दो चीजों की लोड पड़ती है ना, एक तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो गया 20, और साथ में डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन क्या हो गई टुवर्ड ईस्ट। अगर वो टुवर्ड ईस्ट नहीं कहता है तो मैं बी पॉइंट पे नहीं पहुंच पाऊंगा। ओके, सो देयरफॉर जो डिस्टेंस है उसमें डायरेक्शन की लोड नहीं होती। ओके, इसलिए डिस्टेंस को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मात्र मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की नहीं, उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और जिनमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। राइट डाउन बेटा, यस, नाउ राइट डाउन बेटा जी, यस यस, राइट डाउन, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, what is magnitude, what is magnitude, write down the numerical value of a physical quantity, the numerical value of a physical quantity is called its magnitude, is called its magnitude. Write down. For example, Ram moves, your write down, Ram covers a distance of, Ram covers a distance of 40 meter. Ram covers a distance of how much? 40 meter. Here, the numerical value, write down here, the numerical value 40 is called magnitude.
40 is called magnitude. Write down beta next question. What are scalar and vector quantities? What are scalar S-C-A-L-A-R, scalar and vector V-E-C-P or vector quantities? What are scalar and vector quantities? Write down beta number one, scalar quantity. Write down a physical quantity which has a physical quantity which has only magnitude and no direction is called a scalar quantity. For example, distance, speed. For example, distance, speed, mass, etc. Distance, speed, mass, etc. Write down beta number two, vector quantity. Write down beta main answer for us. Is a physical quantity which has both magnitude and direction. A physical quantity which has both magnitude and direction is called a vector quantity. Okay, for example, displacement. Number two, velocity. velocity. Number three, weight. So, what is a vector quantity? A physical quantity which has both magnitude and direction is called a vector quantity. For example, displacement, velocity, weight, etc. Okay. Write down the next question. Yes, write down next question. Differentiate between distance and displacement. Very, very important question. Differentiate between distance and displacement.
distance and displacement. Okay. So बेटे yes. Left hand side you can write down distance and write down side you can write displacement. Displacement. Distance and displacement. Okay. Number one लिखो बेटे distance में. It is the actual path. It is the actual path covered by a body. It is the actual path covered by a body or displacement of a. It is the smallest path. It is the smallest path between two points or two places. Okay, number two will be right now. It is a scalar quantity. Distance will go. It is a scalar quantity. Or displacement will go. It is a vector quantity. It is a vector quantity. It is a vector quantity. Yes. Number three लिखो बेटे distance में no direction बैटरी में लिखो displacement में have direction okay. Yes, distance will be quoted. Number four, it is represented by R-E-P-R-E-S-E-N-T-E-D. It is represented by small d. And displacement will be quoted. It is represented by small s. It is represented by small s. ओके डिस्टेंस में लिखो बेटा नंबर फाइव यस राइट डाउन इट इज ओनली पॉजिटिव ओके डिस्प्लेसमेंट में लिखो बेटा इट मे बी पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव. इट मे बी पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव ओके यस बेटा डिस्टेंस में लिखो नंबर सिक्स It gives detailed information. Distance will throw. It gives detailed information of the route followed. Of the route followed. डिस्टेंस में लिखा आपने इट गिव्स द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द रूट फॉलोड और डिस्प्लेसमेंट में लिखो बेटा इट डज नॉट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन
complete information 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 of the route 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 covered of the route covered. ओके लिस्टन बेटा मैं कुछ समझाता हूँ पॉइंट्स. ओके छोड़ दो अपनी कॉपी है समझ लो उनको. देखो डिस्टेंस तो मैंने बताया जब अपनी डायग्राम बनाया था हमने यहाँ पे ना, एक जो पर्सन था मिस्टर राम वो तीन चार रास्तों से जा रहा था, कभी 40 मीटर कभी 60 मीटर कभी 80 मीटर है ना कभी 20 मीटर. तो हरेक जो रास्ता वो उसने अपने कदमों से चला खुद चला है ना एक्चुअली चला, तो उसको बोलते हैं पाथ और डिस्टेंस. एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. लेकिन वो चार रास्तों से चला, जब वो 40 मीटर चला तो भी इनिशियल पॉइंट ए और बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना था 20 मीटर. मीन्स वो यहां से गया ही नहीं और यहां से कितनी 20 मीटर है ना. अगले दिन वो 60 मीटर चला, फिर भी उसने देखा कि ए और बी का मिनिमम डिस्टेंस वो भी 20 मीटर है. तीसरे दिन वो 80 मीटर चला, फिर ए और बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है 20 मीटर. चौथे दिन वो 200 मीटर चला, 600 मीटर चला, 800 मीटर चला, लेकिन ए और बी के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 20 मीटर रह रहा है ना. ओके अब ए और बी के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 20 से कम तो हो नहीं सकता. ओके सो देयरफॉर द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. वो क्या था 20 मीटर. नाउ अब देखो बेटे अगर वो बंदा ए से लेके बी तक 20 मीटर चला तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना कवर किया उसने 20 मीटर है ना. तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बराबर होगा या उससे बड़ा होगा ना. ओके तो राइट हैंड बटन नंबर 7 लगा दिया हमने डिस्टेंस में इधर इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट. यस डिस्टेंस वाली साइड लिखो बेटे नंबर 7 इधर इक्वल टू द इक्वल और ग्रेटर देन इधर इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड. डिस्टेंस वाली साइड लिखो बेटा इधर इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट वाली साइड लिखो बेटा नंबर 7 पॉइंट इधर लेस और इक्वल टू इधर EITHER इधर लेस और इक्वल टू इधर लेस और इक्वल टू दी डिस्टेंस कवर्ड इधर लेस और इक्वल टू दी डिस्टेंस कवर्ड. ओके बेटा तो नेक्स्ट स्केलर क्वांटिटी स्केलर का मतलब चल गया आपको. ठीक है डिस्टेंस तुमने 40 भी चलाओ 80 भी चलाओ 60 भी चलाओ 100 भी चलाओ 200 भी चलाओ लेकिन वो बी के ऊपर नहीं पहुंचा क्योंकि उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है ना. तो देयरफॉर ये जो क्या बोलते हैं डिस्टेंस इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन देयरफॉर दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी जो वेक्टर है That is a displacement. Because अगर वो ईस्ट वाली साइड को चला ए से बी तक इन पर्टिकुलर डायरेक्शन तब वो जाके बी पे पहुंचेगा बाय कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर. नो डायरेक्शन बता दिया मैंने अभी नो डायरेक्शन एज डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर डी. डिस्टेंस जो हम डी से करते हैं उसको रिप्रेजेंट और उसको एस से करते हैं. ओके डिस्प्लेसमेंट को इट इज ओनली पॉजिटिव डिस्टेंस जो होता है. ठीक है आपने कभी ऐसा सुना भाई मिस्टर राम का ब्रदर जो है वो -2 मीटर लंबा है. माइनस तो होता है देना तो मतलब नेगेटिव नहीं होता है ना ही. तो राम के ब्रदर की जो लेंथ है वो 0 मीटर होगी. ऐसा होता है कभी उसका भाई जो है 0 मीटर लंबा है तो 0 भी नहीं होता ना नेगेटिव होता है ना 0. डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके नाउ देखो बेटा इधर को ईस्ट है ये क्या है 0 है और इधर को वेस्ट है. ओके अगर राम यहां से ईस्ट वाली साइड को गया तो मैं बोलूंगा उसने +20 मीटर कवर किया
क्योंकि डायरेक्शन उसकी ध्रुव है। और अगर राम वेस्ट वाली साइड को गया तो मैं बोलूंगा वो माइनस 20 मीटर गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। अगर कोई चीज ईस्ट वाली साइड एक्स एक्सिस वाली पॉजिटिव एक्स वाली साइड जा रही है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, और अगर कोई चीज जो है वो नेगेटिव एक्सिस वाली साइड जा रही है तो उसको हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। और अगर मान लो कोई बॉडी जो है वो यहाँ से स्टार्ट की, वो 20 मीटर ईस्ट पे गई, फिर 20 मीटर मुड़ के आ गई यहीं पे, तो एक्चुअली वो कितना रास्ता चला, 40 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, यहाँ से चला था इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो पॉइंट ए का पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस है, जीरो। तो इसका मतलब बंदे ने डिस्टेंस तो कवर किया 40 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, जीरो मीटर। ओके, मान लो मैं सारा फुवाड़ा घूम के यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और सारा फुवाड़ा घूम घूम के ठीक है 5-6 घंटे घूमते रहता हूँ और यही पे आ जाता हूँ, तो मैं ये मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है, यही है, और मैं घूम के इतना कवर करके आया 15 किलोमीटर, फिर मैं फाइनल पॉइंट पे ही है, तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन कितना है, जीरो। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, जीरो, लेकिन मैंने डिस्टेंस कवर कितना किया, 15 किलोमीटर। After covering a distance of 15 km or actual path of 15 km, my displacement is zero. Okay? Yes. Next, let us see activity number 8.3. Make a meter scale and a long rope. Walk from one corner of a basketball court to its opposite corner along its sides. Okay? Measure the distance covered by you and magnitude of the displacement. What difference would you notice between the two cases? Okay, देखो बेटा, ये आपके स्कूल में जो है बास्केट का कोर्ट है, आप पॉइंट ए से चले, ओके, यहाँ से गए आप और बी का बी पॉइंट पहुंचे और बी से आप पहुंचे सी पॉइंट, और फिर आपने क्या किया, मीटर स्केल से आपने देखा कि ए से लेकर बी तक आप कितना चले, 40 मीटर। अब बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है, मेरे को उसकी नॉलेज नहीं कितना लंबा होता है, ओके, लेकिन मान लो ए से बी तक आप कितना चले, 40 मीटर, और बी से सी तक जो है कितना चले आप, 80 मीटर। कोई कह रहा है ए कॉर्नर से दूसरे अपोजिट कॉर्नर तक गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना कम हुआ, लेकिन ए और बी के बीच में जो है, सॉरी ए और सी के बीच में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या है, दिस वन, ओके ओके, सो व्हाट इज ए सी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए सी, ए सी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो ए सी कितना है बेटा, सारा 40 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू डैश डैश मीटर। इट इज होमवर्क फॉर यू, ओके, इट इज होमवर्क फॉर यू, लेकिन आप देखेंगे जो भी यहां पे आएगा 40 का स्क्वायर, ओके, और प्लस 80 का स्क्वायर और उसको ऐड करके उसको लेना, वो जो भी आंसर आएगा 120 से कम नहीं होगा ना। तो ये कह रहा था भाई, व्हाट इज द डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू इन दिस केस, तो आपने क्या लिखना बोलो शाबाश, द डिस्प्लेसमेंट एसी इज लेस देन द एक्चुअल पाथ कवर्ड, ओके, एक्चुअल पाथ कितना कम किया था, 120, तो था ए प्लस बी बी सॉरी ए टू बी प्लस बी टू सी है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, जो ए और इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल ए फाइनल सी है ना, इनके बीच में जो सबसे कम रास्ता है ये दैट इज स्ट्रेट लाइन, तो जितनी इसकी वैल्यू होगी दैट इज ऑलवेज लेस देन 120 मीटर, दैट इज ऑलवेज लेस देन 120 मीटर। नेक्स्ट बेटे एक्टिविटी नंबर 8.4, ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद अ डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सच अ डिवाइस इज नोन एज ओडोमीटर। यस, राइट डाउन बेटे, राइट ऑन क्वेश्चन, अंडरलाइन कर लो उसको, ये अगर आपके पास बुक है, व्हाट इज एन ओडोमीटर,
What is an odometer? O D O M E T E R. What is an odometer? Write down answer. A device used in vehicles. A device used in vehicles to measure the distance covered. To measure the distance covered is called odometer. तो कह रहा बेटे अ कार इज ड्रीवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग ऑफ द इनिशियल एंड द इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर इज 1815 किलोमीटर ना फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया ना सो देखो बेटा लिसन मान लो यहां पे दिल्ली है और यहां पे भुवनेश्वर है ना तो रोड तो ऐसे ऐसे जा रहा होगा ना तो एक्चुअल पाथ कितना कवर किया फिर मेरे पास 850 मीटर ओके तो आपने रोड का यहां से लेके यहां पे मीन डिस्टेंस यहां से आपको मीन डिस्टेंस का यहां से ओके उसको मेजर करना ठीक है कर लोगे इसको तो आप सब ने जो है ठीक है परचेज करना रोड मैप ऑफ इंडिया रोड मैप ऑफ इंडिया ओके बेटा जी यस